देखिए, जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, ये प्राचीन समय से, पुरातन काल से जो त्यौहार आ रहा है, और इस दिन हम सभी लोग मिलके इस खेल का एक उत्साह के रूप में इस गेम को खेलते हैं, न कि किसी प्रकार का सट्टा और इस टाइप का जुआ, ये बिल्कुल इसमें नहीं है। और ये हम लोग तो केवल इसको एक आपसी मेल भाव, बड़े इसी परिवार की तरह इसको खेलते हैं और अनेक वर्षों से इसको खेलते आए हैं। ये एक सट्टे का रूप नहीं है, ये केवल एक हम लोग आपस में इसको कंट्रीब्यूट करके एक नाश्ता या इस टाइप का सब साथ में बैठ के खा लेते हैं, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मनोरंजन के रूप में, मनोरंजन के रूप में, पूरी तरह से मनोरंजन के रूप में, ना कि सट्टा और जुआ। ये पुरानी ये जो परंपरा है, इसको हम बिल्कुल ये नहीं मानते हैं कि ये इस सट्टे में हो रहा है। नहीं, कतई नहीं, ये सट्टा नहीं कह सकते हम। हमारे पितृ पूर्वज और हमारी संस्कृति जो हिंदुत्व के नाते चली आ रही है, उसी का निर्वहन है। और हम देखते हैं कि साल में एक बार ये पर्व आता है, इसको गली डंडे के रूप में लेते हैं, कोई पतंग उड़ाते हैं, कोई क्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना सट्टा माना जाए, ना हमारे यहाँ कोई हार जीत हो रही है। केवल चाय नाश्ता ये भी कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष से पैसे कोई भी दे देता है, लेकिन ऐसा कोई सट्टे वाली बात जो आती है, हार जीत भी नहीं है कि कोई प्रतियोगिता या कोई प्रकार का सट्टा या कोई हार जीत नहीं है। केवल हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बस खेलने खेलने में भूख लग जाती है तो कोई नाश्ता के रूप में कोई चीज़ मंगवा लेते हैं। उसमें कोई भी खर्च के लिए कोई भी किसी भी जेब से पैसा निकलता है, उसको न सट्टा माना जाए, न हम कोई हार जीत वाली प्रतियोगिता करते हैं।